क्या अजय देवगन ने 15 करोड़ 10 लाख रुपए राम मंदिर को डोनेट करने का फैसला लिया है? क्या अजय ने मांगी थी मन्नत कि फिल्म तानाजी हिट हो जाए और वो 15 करोड़ डोनेट करे? सोशल मीडिया पर इस बात पर काफी चर्चा हो रही है। क्या है पूरी खबर, इसे बताने से पहले आपको देते हैं खुशखबर। अजय देवगन, काजोल और सैफ अली खान की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर ने 100 करोड़ रुपयों का जादुई आंकड़ा छू लिया है और टीम सातवें आसमान पर है, खासकर अजय देवगन, क्योंकि उनकी 100वीं फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ कमा चुकी है। अब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अजय देवगन अपनी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर मूवी के पहले दिन की कमाई राम मंदिर के लिए दान करेंगे। तानाजी ने रिलीज के पहले दिन 15 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए थे। वही पहले वीकेंड में फिल्म ने 61 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए। सोशल मीडिया के दावे के हिसाब से अजय देवगन 15 करोड़ 10 लाख रुपए राम मंदिर के लिए दान करेंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर ये मैसेज तेजी से फैला और सब अजय देवगन की तारीफ करने लगे। लेकिन फिर ये खबर को वेरीफाई किया गया और पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। जब आप अजय देवगन डोनेशन कीवर्ड से गूगल पर सर्च करोगे तो आपको उनके डोनेशंस की खबर तो दिखेंगी, लेकिन तानाजी से जुड़ा कुछ नहीं मिलेगा। इसी के साथ अजय देवगन के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी उन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। उनके द्वारा किया गया आखिरी ट्वीट 11 जनवरी का है, जिसमें उन्होंने तानाजी को प्यार देने के लिए दर्शकों का दिल से शुक्रिया किया। यूपी सरकार ने भी दान मिलने जैसी कोई जानकारी नहीं दी है, यानी कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मैसेज फेक है। नमस्कार, मैं हूं अजय देवगन और जो प्यार आप लोगों ने तानाजी को दिया है उसके लिए मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानी जो यहां या ओवरसीज में रहते हों, मैं चाहूंगा कि वो तानाजी मालुसरे का सैक्रिफाइस देखें और दुनिया को बताएं। थैंक यू सो मच। तानाजी यूनाइट्स इंडिया।